हे एवरीवन, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट कस्टर्ड की रेसिपी। 4 से 5 मिनट कुकिंग टाइम में ही एक टेस्टी चॉकलेटी कस्टर्ड तैयार हो जाता है। मार्केट में जो कस्टर्ड पाउडर मिलता है वो नहीं, घर में 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिला के होममेड कस्टर्ड पाउडर तैयार कर रही हूँ। साथ में चाहिए डार्क चॉकलेट या कंपाउंड। 100 ग्राम डार्क चॉकलेट चॉप कर ले। अब सॉस पैन में 2 कप दूध डाल के हाई फ्लेम में गरम करें। दूध में जाएगा 4 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, आप नॉर्मल शुगर भी यूज कर सकते हैं। चॉप चॉकलेट डाल के मिक्स कर ले। आप कभी घर पे बच्चों के लिए ऐसे चॉकलेट मिल्क भी बना सकते हैं। अब फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर, 1 टीस्पून वैनिला एसेंस। कस्टर्ड थिक बनाने के लिए कोकोआ और कॉर्नफ्लावर की मिक्सचर डाल दीजिए। एक वेट व्हिक से मिक्स करते जाएंगे तो लम्स नहीं बनेगा। हो सकता है आपको ये 4 टेबलस्पून कोकोआ कॉर्नफ्लावर की मिक्सर से थोड़ा थिक नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं तो फुल फैट मिल्क यूज कर रही हूँ। आप अगर थोड़ा लो फैट मिल्क या फिर डबल टोन मिल्क यूज कर रहे हैं तो हो सकता है 1 से 2 टीस्पून ज्यादा कॉर्नफ्लावर या फिर कोकोआ पाउडर लग सकता है। तो 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में ही कुक कर रही हूँ, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इतनी ही देर में चॉकलेट कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। स्पैचुला से दिखा रही हूँ कितना स्मूथ और सिल्क की कस्टर्ड बना है। अब गर्म रहते ही सर्विंग बोल या फिर कप में ट्रांसफर कर देना होगा, क्योंकि ठंडा होने से ही कस्टर्ड थिक हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा चॉको चिप्स डाल के 2 से 3 घंटा के लिए फ्रिज में रख दे। ये देखिए बहुत ही यम्मी बना है और कस्टर्ड का टेक्सचर देखिए कितना सिल्की स्मूथ है। तो आप भी इसी तरह घर पे बना के एंजॉय करिए। बहुत ही क्विक डेजर्ट है, बस थोड़ा फ्रिज में या फिर सेट करने के टाइम लगता है, लेकिन 4 से 5 मिनट में ही घर पे बहुत जल्दी बन जाता है। तो अगर आप इस वीडियो देख के इस रेसिपी को ट्राई किए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना रेसिपी कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपीज देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।